एक और प्रोग्राम है कि हमारा जो भी एक नंबर दे यूज़र, उसके डिजिट का सम फाइंड करना है, डिजिट का सम फाइंड करना है। तो सेम जैसे डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका जो कि पिछले प्रोग्राम में बताया था, अगर नहीं पता आप पिछला प्रोग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पे एंटर नंबर, स्कैन एफ परसेंट डी, वाइल नम, यहाँ पे सारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। बस एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा है, वो क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू डिजिट। तो यानी कि सम एक वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या है, जीरो है, और जीरो में सारा जो डिजिट है उसको में हम ऐड करते जा रहे हैं, और हमारा ऐड होते जाएगा। फाइनली जो प्रिंट सम ऑफ डिजिट इज सम, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली कि प्रिंट सम ऑफ डिजिट इज सम, ये लास्ट में लिखा है मैंने। अगर ये हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख दे तो हर एक स्टेप पे जितना सम होगा वो हमारा प्रिंट होता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन हाँ वो हमेशा इतने बार बार लाइन प्रिंट होगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि ये हमें प्रिंट एफ के बाहर लिखना है। हाँ चाहे लिख सक, अगर ऐसा अंदर हमें प्रिंट कराना है तो लिख सकते हैं, एट स्टेप वन द वैल्यू इज दिस वन, स्टेप टू एट फाइनल स्टेप ये वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे आप चाहते हो प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे एक मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया था, सम इज इक्वल टू जीरो। कभी भी अगर सम हम लेते हैं तो उसमें हम पहले से जीरो इनिशियलाइज कर देते हैं, और अगर कोई मल्टीप्लिकेशन वाला है तो उसमें वन इनिशियलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये इसमें पहले से क्या होता है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उसमें गार्बेज वैल्यू रहता है। इसमें हम इसलिए असाइन नहीं करते ताकि हमें इसमें यूज़र अपडेट करना है वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे देखें, एक ए यहाँ पे नम ले लिया, नम हो गया, यहाँ पे हमारा सम हो गया। तो नम में हम कहीं ना कहीं यूजर से ले के हम डायरेक्ट वैल्यू को इसमें अपडेट कर रहे हैं। 5 दिया 5 आ गया, 6 दिया 6 आ गया, 8 दिया 8 आ गया। लेकिन सम में हमारा जो भी है, सपोज़ कि गार्बेज हमारा 8 ही है, वैसे नेगेटिव या पॉजिटिव बहुत हाई वैल्यू रहता है, तो अब 8 है और हम इसमें क्या कर रहे हैं कि सम इज इक्वल टू पहले से जो वैल्यू है प्लस डिजिट। अब पहला डिजिट आया 5, तो 8 प्लस 5 13, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ना, रिजल्ट गलत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीवियस वाले वैल्यू को भी हम ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम पहले से इसको जीरो करके रखते हैं ताकि हमें कोई भी इनिशियलाइजेशन में पहले से अगर वैल्यू है उसमें तो वो डिस्कार्ड हो जाए और हमारा जो रिजल्ट है अफेक्ट ना हो। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर।